हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर सेवन लेक्चर नंबर सेवन मल्टीपल एलिज्म मल्टीपल एलिज्म सबसे पहले डेफिनेशन मल्टीपल इसके नाम से पता चल रहा है मल्टीपल एक से ज़्यादा एले पेयर ऑफ जीन मोर देन टू एल्स फॉर ए पर्टिकुलर जीन मोर देन मोर देन मतलब दो से ज्यादा फॉर ए पर्टिकुलर जीन वन यानी एक जीन के लिए दो एलिन हो ठीक है मोर देन टू एलेस फॉर ए पर्टिकुलर जीन्स और फिनोटाइप और फिनोटाइप यानी करेक्टर के लिए एग्जाम्पल है जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप के लिए लेते हैं जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे द एले आर द एले आर आई ए आई बी आई रिस ठीक है आई ए आई बी और आई रिस दैट कंट्रोल द ब्लड ग्रुप जो किस को कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं सो एन इंडिविजुअल कैन हैव सो एन इंडिविजुअल कैन हैव द पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप दैट इज डोमिनेट डोमिनेट कंडीशन में कैपिटल ए कैपिटल ए और कैपिटल ए आई रिसेसि डोमिनट ठीक है हम हो जाएगा कंडीशन आई ए आई रिसेसिव हिट्रोजाइगस कंडीशन पॉसिबिलिटी फर्स्ट ए ब्लड ग्रुप ये डोमिनेंट हो गया ठीक है डोमिनेंट सेकेंड डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है आई ए और आई बी इज द ए बी ये भी डोमिनेंट है अपना थर्ड कंडीशन है अपनी डोमिनेंट आई बी आई बी आई बी आई रिसेसिव तो आई बी आई बी होमोजाइगस आई बी आई रिसेसिव हिट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप एंड लास्ट आई रिसेसिव आई रिसेसिव कंडीशन कैसी होगी होमोजाइगस और ब्लड ग्रुप कैसा हो गया रिसेसिव टाइप हो गया रिसेसिव फॉर्मेशन तो ब्लड ग्रुप में एक कंडीशन होती है रिसेसिवनेस की दैट इज द ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिवे चार कंडीशन होती है पॉसिबलिटीज़ फॉर ब्लड ग्रुप ये ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे मान लो हम लोग बात करें ए ब्लड ग्रुप की बात करें ए ब्लड ग्रुप ठीक है आई ए से रिप्रेजेंट दिस इज द आर बी सी ये एक आर बी सी है ये इसकी सरफेस आर बी सी की सरफेस पर क्या है ए एंटीजन है आर बी सी कंटेन एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा अगर दूसरी बी की बात करते हैं हम लोग बी ब्लड ग्रुप की तो आई बी तो इसकी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन आर बी सी कंटेन एंटीजन बी और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी ए ठीक है फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप और अगर ये कंडीशन बात करते हैं हम लोग ए बी के लिए बात करते हैं तो ए बी जैसे ये ए बी हो गया तो इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगी ए और बी एंटीजन का फॉर्मेशन बोल सकते हैं फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप फोर यानी चार टाइप्स के फिनोटाइप ब्लड ग्रुप होते हैं चार टाइप्स के ए बी ए बी और ओ जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर सिक्स छः टाइप्स के जीनोटाइप होते हैं ए ब्लड ग्रुप के लिए दो आई ए आई ए और आई ए आई रेसेव यानी होमोजाइगस और हिट्राजाइाइगस डोमिनेंट ब्लड ग्रुप होता है बी के लिए भी दो होता है आई वी आई बी आई आई होमोजाइगस हिट्रोजाइगस ये भी ब्लड ग्रुप है ए बी के लिए आई बी आई बी हीट्रोजाइगस ये भी डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है और ओ आई रिसेसिव आई रिसेसि होमोजाइगस है और ये रिसेसिव ब्लड ग्रुप है यानी हम लोग बात कर सकते हैं दो जीनोटाइप इसके लिए दो जीनोटाइप इसके लिए एक एक इनके लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि इट मीन्स ह्यूमन हैव सिक्स टाइप सिक्स जीनो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप के छः जीनो टाइप होते हैं और एक ही रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है ओ बाकी ए बी ए बी तीनों क्या होते हैं डोमिनेंट ब्लड ग्रुप एग्ज़ाम्पल अब फर्स्ट केस में एक एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है ए और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बी है हम कंडीशन मानते हैं हिट्रोजाइगस कंडीशन यानी आई ए आई रिसेसिव और आई वी आई बी रिसेसिव ठीक है ये दिया रहता है क्वेश्चन में अपने पास कि कैसी कंडीशन है होमोजाइगस है या हिट्रोजाइगस है अब इस पेरेंट के ये पेरेंट हो गए पेरेंट फर्स्ट पेरेंट सेकंड या फादर मदर बोल सकते हो ये इनके गैमेट ऐसे बनेंगे आई ए आई रिसेसिव आई बी आई रिसेसिव ये हम लोग पुनेट स्क्वायर बना के क्रॉस करवाते हैं एक साइड मदर एंड एक साइड में फादर के गैमेट आई ए आई रिसेसिव आई बी आई रिसेसिव इसका इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं आई ए आई बी आई बी आई रिसेसिव आई ए आई रिसेस्यू आई ए आई रिसेसिव ऑलवेज डोमिनेट पहले लिखा जाता है कभी भी रिसेसिव पहले नहीं लिखे करेक्टर ये ध्यान रखना है इसलिए आई रिसेसिव और आई ए का क्रॉस करवाते हैं इसलिए आप लोग इसको ऐसे लिखोगे आई ए आई रिसेसिव क्योंकि ब्लड ग्रुप सॉरी डोमिनेंट करेक्टर ऑलवेज फर्स्ट लिख तो चार प्रोजन बनी है ए ब्लड ग्रुप बी ए बी और ओ ये ए बी हो गया ये बी हो गया ये ए हो गया ए गए ये कौन सा ब्लड ग्रुप हिट्रोजाइगस कंडीशन अगर मदर एंड फादर में ब्लड ग्रुप ए और बी के लिए केस सेकेंड अगर मदर एंड फादर होमोजाइगस कंडीशन में है लाइक दिस आई ए आई ए आई बी आई बी तो गैमेट्स बनेंगे आई ए आई ए और आई बी आई बी हम लोग बोल सकते हैं हम इनके गैमेट्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं आई ए आई ए आई बी आई बी एक साइड में मदर एक साइड में फादर के गैमेट्स पुनेट स्क्वायर के थ्रू तो आई ए आई बी ऐसे ही चारों प्रौदानी बनेंगे यानी हंड्रेड परसेंट ब्लड ग्रुप इज एफ वन इज ए बी तो कंडीशन चेंज होते ही एक होमोजाइगस में हंड्रेड परसेंट बनते हैं और हिट्रोजाइगस में चारों टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनते नेक्स्ट है पैलियोट्रॉपिक जीन पैलियोट्रॉपिक जीन डेफिनेशन बोल सकते हैं वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन करेक्टर अगर एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको पैलियोट्रॉपिक बोलते हैं इसका एग्जाम्पल है सिक्कल सेल एनीमिया इन ह्यूमन अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे पहले इसके करेक्टर्स कुछ देखते हैं इन ह्यूमन हीमोग्लोबिन ह्यूमन के हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन्स होती है एच बी कंटेंस टू टेन चेन्स एल्फा पॉलीपेप्टाइड चैन और बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन ठीक है तो दो एल्फ़ा की और दो बीटा की टोटल ऐसा करके बात कर सकते हैं हम लोग फोर चैनस का फॉर्मेशन इन सिकल सेल एनीमिया इन वन ऑफ बीटा चैन यानी दो बीटा चैन है उनमें से एक बीटा चैन देयर इज पॉइंट चेंज म्यूटेशन यानी आप लोग बात कर सकते हैं कि तो सिकल सेल condition के अंदर क्या है? दो बीटा चैन है उनमें से एक देयर इज इन सिक्कल सेल एनीमिया वन ऑफ द बीटा चैन देयर इज पॉइंट चेंज और पॉइंट चेंज को हम लोग क्या बोल सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हैं यानी किसी स्पेसिफिक जगह के अंदर चेंजमेंट है बीटा चैन के अंदर चेंजमेंट होने की वजह से कंडीशन जनरेट होती है पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हैं और कैसे डिजीज़ है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशन कंडीशन देखते हैं नॉर्मल ओनली बीटा चैन नॉर्मल ओनली बीटा चैन एच बी चैन यानी नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं हम लोग एच बी बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन अब दो पॉलीपेप्टाइड चैन है अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हम लोग बात करते हैं ऐसी होती है एच बी की बीटा चैन जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है सात अमीनो एसिड की एक चैन अमीनो एसिड मिलकर एक नॉर्मल एच बी की बीटा चेन बनाते हैं जिसमें वेलिन हिस्टेडिन ल्यूसिन थ्रियोनिन प्रोलिन ग्लोटामिक एसिड एसिड। ग्लोटामिक इसमें फोकस ऑन नंबर सिक्स पोजिशन नंबर छः के ऊपर है अपना ग्लोटामिक एसिड इसके अंदर सिक्स पोजिशन में अगर चेंजमेंट होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन इस छठे नंबर पर ही चेंजमेंट होने की वजह से ये कंडीशन जनरेट होती है सिकल सेल एनीमिया एच बी वेलिन हिस्टिडिन ल्यूसिन थ्रोनिन प्रोलिन और वेलनिन और ग्लोटामिक एसिड यहाँ पर छः नंबर पोजीशन पर क्या था अपना ग्लोटामिक एसिड था दैट इज रिप्लेस्ड बाय जो चेंज कर दिया जाता है म्यूटेशन की वजह किस से किससे वेलनिन में तो सिक्स पोजीशन ग्लोटामिक एसिड चेंजेस बाय वेलिन एंड ऑल द पॉजिशन रिमेन्स सेम वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है और सेवन यानी सारी की सारी पोजीशन पहले के जैसी हैं इसमें हैं जैसे ही बट ये छः नंबर पर ग्लोटामिक वहाँ पे वेलिनिन आ जाता है तो बाकी सब सेम रहेंगे सिक्स पोजीशन में चेंज आता है तो ये कंडीशन जनरेटर अब इस वजह से क्या होता है ग्लोटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन यहाँ पर क्या था ग्लोटामिक एसिड है और ये रिप्लेस्ड कर दिया गया है वेलनिन की वजह से तो ये सिक्कल सेल एनीम सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन दैट इज कॉल्ड सिक्कल सेल एनीमिया यही कंडीशन क्या होती है सिक्कल सेल एनीमिया होती है आगे देखो सिक्कल सेल एनीमिया के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंजेस अब सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज होती है हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंजमेंटल बिकॉज ऑफ जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज होगी तो बिकॉज ऑफ दिस इस कंडीशन की वजह से इज़ नॉट एबल टू कैरी हीमोग्लोबिन कैपेबल नहीं होता है कैरी टू सम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैर जैसा नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंटेन करता है वैसा नहीं ले जा सके सेकेंड कंडीशन चेंज इन द आर बी सी सेप आर बी सी की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो जाता है नॉर्मल आर बी सी कैसी होती है <coughs> फ्लैट लाइक एंड साइड व्यू बाईकॉन वेक लाइक यानी फ्लैट लाइक और बाइकॉन वेक और कंडीशन कैसी ई न्यूक्लिएट होती है ठीक है ई e न्यूक्लिएट होती है बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर यानी सिक्कल सेल एनीमिया की वजह से ये जो ऐसी कंडीशन या ऐसी दिखाई दे रही है साइड से और आर बी सी बेसिकली फ्लैट एस टाइप की ठीक है अगर डिसऑर्डर हो जाएगा तो ये चेंज हो जाती है इन्यूक्लिएटेड आर आरबीसी इस कंडीशन में चेंज हो जाती है लाइक दिस ऑफ लाइक लाइक दिस लाइक चेंज हो जाती है हास्याकार बोल सकते हैं हम लोग सिक्कल लाइक चेंजमेंट हो जाती है और दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज सिक्कल सेनिमिया और इस शेप की वजह से इस हम लोग इस डॉडर को क्या बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दिस टू थिंग्स अब यहाँ पर एक जीन दो थिंग्स को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है कैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मल्टीपल पहले टॉपिक बोल पढ़ रहे हैं उसमें एक जीन रिस्पॉन्सिबल है दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन दूसरा है शेप ऑफ आरबीसी ठीक है डू टू चेंज इन जीन टू थिंग्स अफेक्टेड यहाँ पर जीन में चेंजमेंट होने की वजह से दो चीज अफेक्टेड होती है एक एच बी की स्ट्रक्चर और एक सेप और इज मच लेस इन आर सिक्कल इन द सेप यानी क्या बोल सकते हो कि इट मीन एच बी स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी एंड शेप ऑफ आरबीसी इन दीटा चेन एच बी एट पोजिशन नंबर सिक्स ग्लोटामिकसिड चेंज बाई दिन डज नॉट कैरी समी ऑफ ऑक्सीजन ठीक है ऑफ ऑक्सीजन यानी जितनी ऑक्सीजन लेके जानी थी उतनी नहीं लेके जा पाती दूसरा चेंज ऑफ आर बी सी सिक्कल लाइक सिक्कल लाइक चेंजमेंट हो जाता है बाईविच द अमाउंट ऑफ एच वी जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ एच वी इज मच लेस जिसकी वजह से हिमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है इस सेप में सिक्कल लाइक -like सेप में ड्यू टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस रीच एट द टिश्यू यानी आर बी सी की सेप चेंजमेंट होने से, की वजह से हिमोग्लोबिन की मात्रा चेंजमेंट हो जाती है और सिक्कल सेप होने की वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता अब जीनोटाइप देख सकते हैं इसका कैसे दिया जाता है हीमोग्लोबिन का एच बी एस जीन ठीक है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल सेल सिकल सेल एनीमिया, HBS cell, uh, एनीमिया। अगर एच बी एस लिखा जाता है तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है सिकल सेल और नॉर्मल को लिखते हैं हम लोग एच बी ए तो दो कंडीशन होगी एच बी एच बी ए ये तो नॉर्मल कंडीशन हो जाती है और ये एच बी एच बी एस सिक्कल सेल कंडीशन हो जाती है फिफ्टी परसेंट नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्लस फिफ्टी परसेंट डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन ठीक है <coughs> तो क्या बात कर सकते हो नॉर्मल कंडीशन में तो हंड्रेड परसेंट क्या होता है हीमोग्लोबिन सी होता है बट सिक्कल सेल एनिमिया में पचास परसेंट हीमोग्लोबिन कैसा होता है डिफेक्टेड होता है ये एस कंडीशन थर्ड कंडीशन एच बी एस एच बी एस बोथ जीन्स आर म्यूटेटेड जब दोनों ही जीन म्यूटेटेड हो जाते हैं तो प्रोड्यूस डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन एंड सिक्कल सेल आर अगर दोनों ही इफेक्टेड हो जाते हैं तब दिस इंडिविजुअल इज नॉट सर्वाइव ऐसे पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसको डिस्कस करेंगे आगे हम लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर में दिस इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव फिर बात करते हैं एच बी एच बी एस दिस इंडिविजुअल आर रेसिस्टेंस टू मलेरिया ये जो पर्सन है जिसके अंदर ये कंडीशन होगी वो रेसिस्टेंस होता है किसके लिए मलेरिया के लिए क्यों क्योंकि मलेरियल पैरासाइट किसके ऊपर फीडअप करते हैं आरबीसी के ऊपर फीडअप करते हैं और इसमें डिफेक्टेड फॉर्मेशन है इस वजह से सरवाइव मदर प्रोवाइड एडवांटेज फॉर द प्रोजेनी क्या बात कर रहे हो कि इट मीन्स ऐसे जो बच्चे होते हैं इस कंडीशन वाले उसमें माता जी आ, मदर अपने बेबी को एडवांटेज प्रोवाइड कराता है मींस कह सकते हैं कि वो बच्चे के अंदर मलेरिया नहीं हो पाएगी एच बी एस एच बी ए कंडीशन इज प्रोजें बिकॉज मलेरियल पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव ऑन दीज आर क्यों होता है ऐसा क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी या आर की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कमी जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इसके बारे में जेनेटिक डिसऑर्डर में और डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे इनहेरिटेंस होता है उसके बारे में थैंक यू